हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनानी द हिलर। दिस इज मोहम्मद सवान, अ थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट टीबी कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना। थंबनेल से आपको आइडिया मिल गया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ जीटीसीएच के कट ऑफ के बारे में। जीटीसीएच का कितना कट ऑफ है और कितना फ्लक्चुएट किया, इस मैं 3 साल का बताने जा रहा हूँ। लास्ट कंसेक्यूटिव 3 ईयर्स में कितना कट ऑफ में फ्लक्चुएशंस आया, हर साल कुछ ना कुछ मार्क्स का डिफरेंस रहा है। किसी साल बहुत ज़्यादा रहा है, किसी साल बहुत कम रहा है। इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ के साथ कितना एडमिशन फी, कितनी ट्यूशन फी और एग्जाम फी, हॉस्टल फी, जो भी फी है उसकी भी बात करेंगे हम लोग। तो कट ऑफ जब भी बताया जाता है वो लास्ट ईयर के रेफरेंस में बताया जाता है। जैसे इस साल एडमिशन होगा तो इस साल का क्या कट ऑफ हो सकता है ये डिसाइड करेगा लास्ट ईयर का कट ऑफ और उसके पहले साल वाला कट ऑफ, और वो सीट डिसाइड करता है कि कितना सीट है, बढ़ा है या घटा है। वो डाउट भी मैं अभी क्लियर करूंगा। सीट जो है फ्लक्चुएट किया है। 2020 बैच में 100 सीट पहली बार आया था, उससे पहले 40-50 के अप्रॉक्स था। 100 सीट के वजह से उस पहली बार 250 तक एडमिशन हो गया था। उसके बाद फिर 400 हुआ 2021 में। उसके बाद 2022 में 430। उसके बाद लास्ट ईयर की बात करेंगे तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कितना हुआ। तो लगातार 3 साल तक सीट जो है 100 सीट रहा, 20 बैच में भी, 21 बैच में भी, 22 बैच में भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर 23 बैच में सीट घट गया। सीट घटने का बहुत सारा कॉज था। जो मेन कॉज बताया गया, जो कॉलेज में जो कुछ फैसिलिटीज नहीं है, प्रोफेसर का कमी था, ये सब मसला था। सीट 100 सीट से घट करके 23 सीट पे आ गया, 23 सीट पे एडमिशन हुआ लास्ट ईयर, जिसकी वजह से दिक्कत हुआ स्टूडेंट्स को। बहुत सारे स्टूडेंट्स को खाली हाथ वापस होना पड़ा एडमिशन काउंसलिंग सेंटर से, और इसकी वजह से कट ऑफ बढ़ गया। लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो 23 बैच का, जिसमें टोटल 25 सीट था, जिसमें से 23 सीट पर एडमिशन हुआ और कुछ ऐसी सीट खाली रह गया था। 23 में से 19 सीट यूजी स्टूडेंट को मिला जो नीट के थ्रू हुआ आया, और 2 सीट जो है प्रीतिम वाले को मिला। टोटल 25 सीट पर एडमिशन हुआ। कट ऑफ की मैं बात करने जा रहा हूँ 23 बैच का, लास्ट ईयर का वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था। कट ऑफ था जनरल के लिए 523 मिनिमम मार्क्स था जिस पर एडमिशन हुआ। उसके बाद बीसी को 450, ईबीसी 526, ईडब्ल्यूएस 536 और आरसीजी 499, एससी 325। तो एवरेज निकाला जाए तो देखा जाए कि 500 प्लस जिसका भी मार्क्स रहा होगा उसको एडमिशन हुआ लास्ट ईयर ऑन एन एवरेज। जनरल ओबीसी ईबीसी अलीगढ़ हो गया, उसका 550 प्लस जाता है, मैक्सिमम जाता है, उसके एवरेज में ये टीबी कॉलेज में कट ऑफ किया। इस दफा क्या होगा वो तो सिचुएशन बताएगा। सीट बढ़ने पे है, अगर सीट बढ़ गया तो ज़्यादा चांसेस है कि 450 तक जाएगा। सीट बढ़ने के बावजूद भी इस कट ऑफ घटेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है एक दफ़ा कट ऑफ बढ़ जाता है तो घटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस दफ़ा भी कट ऑफ उम्मीद ऐसा किया जा सकता है 500 प्लस मार्क्स लाइए और जीटीसीएच में एक सीट पाइए। 500 से कम है तब भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यूस अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करें, नीट का तैयारी कीजिए और आगे के लिए देखिए। 500 प्लस कम है तो आपको जीटीसीएच अगर नहीं मिला तो बाकी जो यूनानी कॉलेज है, गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज इंडिया के बाकी स्टेट्स में, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ 450 भी मार्क्स है तो ज़्यादा चांसेस है आपको हो जाएगा एडमिशन। बहुत सारा कमेंट्स मैं देखा हूँ जिसमें 450 कुछ स्टूडेंट्स को आ रहा है, किसी को 420, 430। आप लोग डिसअपॉइंट मत होइए, उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पहले पार्टिसिपेट कीजिए, इसके थ्रू आप दूसरे स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं। यहाँ का कोई गारंटी नहीं है अभी क्या होगा नहीं होगा, वो सिचुएशन बताएगा। जब तक के लिए आप बने रहिए। और एक और बात मैं बताने जा रहा हूँ, एडमिशन फी में पैसा कितना लगता है, एडमिशन के दौरान पैसा कितना लगता है, तो वो भी बहुत फ्लक्चुएट किया। हमारे टाइम 20,000 लगा, उसके बाद फिर 17,000, फिर 500, 415, सपोज 415 पे एडमिशन हुआ, 415 रुपया एडमिशन फी लगा था एक साल पहले। और लास्ट ईयर जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर का जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका फी स्ट्रक्चर बहुत चेंज हो गया। टोटल 2023 में लास्ट ईयर 28,800 रुपया लगा था फी। तो जीटीसीएच में जो एडमिशन फी जो कमेंट्स आप कर रहे थे उसका जवाब आपके सामने अब आ गया है। 28,800 रुपया एडमिशन फी लगा था, जिसका बंटवारा किया गया अलग अलग तरीके से, ट्यूशन फी, एडमिशन फी, हॉस्टल फी, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, मैगजीन सोसाइटी, कॉलेज एक्टिविटी, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, स्टूडेंट यूनियन फंड, ये सारा फी जो है जोड़ करके टोटल 28,000। और ये फिक्स है कि 28,800 इस दफ़ा भी लगेगा एडमिशन फी, इस साल का भी 28,800 रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा।
उसके बावजूद भी अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट में बताएं और यूनानी द हीलर पेज को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी डाउट है आप यहाँ अगर कमेंट्स में आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो आप यूनानी द हीलर इंस्टाग्राम पेज पर कमेंट करें, वहाँ आईडी मेंशन है। उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।